आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मुंबई में बढ़ती महंगाई का एनसीपी कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और निर्मला सीतारमण के फोटो पर एनसीपी महिला नेता ममता शर्मा ने फूलों का हार चढ़ाकर ग्रामीणों से शंखनाद कराया, फिर नारियल तोड़कर फोटो के सामने पूजा अर्चना की। महंगाई का विरोध कर रहे एनसीपी की महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी पीएम बनने से महंगाई पर बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज तक मोदी जी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। उनकी याददाश्त को वापस लाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और निर्मला सीतारमण की पूजा किया गया। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जसवाल की रिपोर्ट। सर, मैंने यहाँ पे आज भगवान श्री मोदी जी की आज महापूजा रखी हुई है, जिसमें मेरी सारी जनता आई हुई है। मोदी जी से हम उनकी याददाश्त के लिए, उनकी याददाश्त वापस आने के लिए एक पूजा रखे हुए हैं कि मोदी जी ने पूरे देश पे, भारत हिंदुस्तान पे अपना कंट्रोल खो दिया है। उन्होंने कहा था डीजल हो, पेट्रोल हो, महंगाई हो, सबके भाव कम होंगे, अच्छे दिन आएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? अच्छे दिन आएंगे कहा था कि नहीं कहा था? तो मोदी जी की अब सारी कंट्रोल सिर्फ ईडी पे और जासूसी पे और ये सीबीआई और इनकम टैक्स पे ही चल रही है। उनकी याददाश्त खो गई है, डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। हम आज ये पूजा करके प्राकृतिक आपदा में, जहाँ पे मोदी जी जब से आए हैं इतनी प्राकृतिक आपदा आ रही है, काले बादल छाए हुए हैं, बाढ़ आ रही है, कोरोना की महामारी चल रही है, देश की विकट परिस्थिति है, इसमें कम से कम मोदी जी की याददाश्त वापस आ जाए, हम प्रार्थना कर रहे हैं। कम से कम महंगाई तो कम हो जाए, हम बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इतने साल हो गए, दूसरा टर्म भी पूरा होने वाला है, मोदी जी हम पर कृपा करिए, अपनी याददाश्त को जल्दी से वापस लाइए, बादाम वादाम खा के हमारे लिए कुछ कृपा करिए, आपकी सेहत अच्छी हो। हम बस आज इसीलिए पूजा याचना कर रहे हैं कि आपकी याददाश्त वापस आ जाए। ठीक।